अगर तुमने जाके गुजरा वक्त बदल दिया तो आने वाला कल भी बदल दोगे। समय का एक पैटर्न है जिसकी मजबूरी है खुद को दोहराना। अतिक्रमण तब होता है जब दो यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और उनके टकराव से एक या वो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अतीत को छेड़ना हमारा काम नहीं है, उस हादसे को खुद पर हावी मत होने दो। तुम्हारी मौत आ चुकी है, इस दुनिया को मिटना होगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम ये सब ठीक नहीं कर पाएंगे। उसका एक ही मकसद रहा है, ब्रह्मांड की तबाही। मार्वल की तरफ से एवेंजर्स यूनिवर्स की हमें अब तक 4 पार्ट देखने को मिल चुके हैं। अब सभी के बीच में एक सवाल बना हुआ है कि इसके बाद हमें एवेंजर्स मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा या नहीं, या मार्वल ने अपने इस यूनिवर्स को यहीं पर खत्म कर दिया है। इसी की अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और जैसा कि आप सबको पता है, एवेंजर यूनिवर्स मार्वल का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला यूनिवर्स है। अभी कुछ दिनों पहले मार्वल की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी। मार्वल की तरफ से इस बात की तो अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हमें एवेंजर 5 द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, पर ये सब हमें कब तक देखने को मिलेगा, इस सवाल को लेकर मार्वल वालों ने कोई अपडेट नहीं दिया है। मेकर्स की तरफ से तो ये अपडेट भी नहीं मिला है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में हमें कौन कौन से कलाकार देखने को मिलेंगे, पर आयरन मैन को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक काफी बुरी खबर है। हो सकता है कि हमें एवेंजर 5 में आयरन मैन ना देखने को मिले, क्योंकि पिछली वाली एवेंजर में आयरन मैन मर चुका है, इसलिए अब आयरन मैन नहीं देखने को मिलने वाला। पर ऐसा हो सकता है कि मार्वल किसी और आयरन मैन को इंट्रोड्यूस करे, पर इसके भी काफी कम चांसेस हैं। लेकिन एवेंजर 5 को लेकर कई सारी अपडेट सामने आ रही है और फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी कुछ कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं। एवेंजर्स 5 फिल्म में हमें जोनाथन मेजर, एंथनी मैकी, पॉल रूट जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और इनके साथ फीमेल रोल में कैथरीन न्यूटन, हैली स्टेनफील्ड देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक डेस्टिन डेनियल क्रेटन के डायरेक्शन में बनाया जाने वाला है, और हम सभी लोग एवेंजर 5 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए सभी लोग जानना चाहते हैं कि एवेंजर्स 5 हमें कब तक देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको बता दें कि मार्वल की तरफ से अपडेट आ गया है कि बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और 2024 के लास्ट तक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट भी कर ली जाएगी। इसके बाद ये फिल्म हमें 2 मई 2025 को सिनेमा हाउस पर देखने को मिलेगी। अगर फिल्म की शूटिंग को समय पर खत्म कर लिया जाता है तो ये फिल्म हमें इसी डेट पर देखने को मिल जाएगी, नहीं तो फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमें इसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगी और फिल्म की कास्टिंग और बाकी की अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अब देखना यह होगा कि मार्वल वाले एवेंजर्स 5 में आयरन मैन को लेकर क्या नई स्टोरी बनाते हैं। अगर फिल्म में आयरन मैन नहीं होगा तो फिल्म में वो जान नहीं होगी, और अगर आयरन मैन की जगह किसी और को नया आयरन मैन बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हो सकता है कि एवेंजर 5 के बाद हमें मार्वल की तरफ से इसकी और फ्रेंचाइजी देखने को मिल जाए। अब देखना तो यह होगा कि एवेंजर 5 द कैंग डायनेस्टी अपनी पिछली वाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। अगर इस बार भी ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करती है तो हो सकता है कि हमें आगे भी इसकी और पार्ट देखने को मिल जाए। अब खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।